हाय एवरीवन, मैं सुनीता खन्ना आज आपको कॉर्न के पकोड़े की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 कप फ्रेश कॉर्न लिया है और 1 प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक चॉप किया है। 1 कप मैंने बेसन लिया है और 2 चम्मच कॉर्न मैंने अलग से निकाल लिया है। 2 हरी मिर्ची को बारीक काटा है, 5-6 कड़ी पत्ता को बारीक काटा है। 2 चम्मच मैंने चावल काटा लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ली है, 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और बाकी ये मैंने सूखे मसाले लिए हैं। सूखे मसालों में मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स, चाट मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी ली है। फ्रेश कॉर्न को मैं मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीसूंगी। अभी मैंने कॉर्न को दरदरा पीस लिया है, उसे एक बाउल में खाली कर लिया है। अब इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्न में डालूंगी, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, धनिया, गार्लिक, जिंजर पेस्ट, प्याज, कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, बेसन। बेसन मैं पहले थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, उसे मिक्स करने के बाद मैं देखूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो और डालूंगी। अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ और इन सबको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मैंने बाकी का बचा हुआ बेसन भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है और इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसके पकोड़े तलेंगे और तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं उसमें कॉर्न के छोटे छोटे पकोड़े डालूंगी और मैंने गैस को मीडियम टू हाई के बीच में कर दिया है। एक तरफ सीखने के बाद मैं इसे पलट दूंगी। थोड़ा थोड़ा तेल चम्मच से मैं पकौड़ों के ऊपर डालूंगी ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह सीख जाए। थोड़ा सा नीचे सीखने के बाद मैं इसे पलट दूंगी। पकौड़े हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें बाहर निकाल रही हूँ टिश्यू पेपर पर। इस तरह मैं दूसरे पकौड़े भी फ्राई करूंगी। कॉर्न पकौड़ा हमारा खाने के लिए रेडी है। मैंने इसे हरी चटनी और फ्राइड हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।